सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर दर्ज होगा देशद्रोह का केस, अब तक 7 लोग गिरफ्तार। एक बार फिर बड़े पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में डीजल 97 के पार, 108 रुपए हुआ पेट्रोल। हरियाणा में ट्रक ने महिला किसानों को रौंदा, 3 की मौत, 3 अन्य घायल। पीलीभीत में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने दिया धरना, सड़कों को सही कराने की मांग, कूड़े के ढेर से हैं लोग परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 जिलों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर और नारे लगाकर पाक की जीत की खुशियां मनाई थी। तो ऐसे में आपको बता दें, 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का दुबई में मैच खेला गया था। हालांकि हर कोई भारत की जीत की उम्मीद लगाए बैठा था, हर किसी को उम्मीद थी कि भारत जीत जाएगी मैच में, लेकिन उसका उलट हुआ। पाकिस्तान ने मैच जीता, भारत को बुरी तरह से हरा दिया। हालांकि उसके बावजूद भी भारत में यूपी के कई जिलों समेत कई राज्यों में और कई इलाकों में पटाखे जलाकर खुशी मनाई गई भारत की हार की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगाए गए, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जिन लोगों ने जीत का जश्न मनाया है उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। और अब तक आपको बता दें, यूपी में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, लगातार जब 24 अक्टूबर के मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने जीत तो जरूर हासिल की थी, लेकिन भारत में उस जीत का जश्न मनाया गया था, जिसके बाद लगातार कार्रवाई इन सभी मामलों पर की जा रही है। अब यूपी सरकार ने भी ये बड़ा फैसला कर लिया है कि जिन लोगों ने जीत का जश्न मनाया था उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। रूबी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पारुल से आवाज हो रही है। रूबी, अब यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जिन लोगों ने जश्न मनाया था उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा। पारुल, होता क्या है, दरअसल यहाँ पे जब खेल प्रोग्राम किए जाते हैं, खास तौर से मैच को लेकर अगर बात की जा रही है, तो अभी लखनऊ में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो उस जगह पे जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा के काफी देर रात तक यहाँ पे लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। इसी दरमियान यहाँ पे योगी सरकार का सख्त तेवर देखने को मिला है कि अगर इस तरीके से कहीं से भी चौराहे चौराहे पे हुल्लड़बाज या कहीं से भी जो भीड़ इकट्ठा की जाएगी तो उसके खिलाफ खास तौर से इन मैचों पे खास ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि पहले से भी योगी सरकार खेल को लेकर बढ़ावा जरूर दे रही थी, लेकिन अब ऐसे खेलों को लेकर जब भीड़ इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं अब उसके लिए एक रोक लगा दी गई है। खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर जब लखनऊ में यहाँ का 1090 चौराहा है, वहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, प्रोजेक्टर लगा के काफी वहाँ पे होड़ल्ला हो चुका था, जिसके वजह से योगी सरकार अब तक की सेवा नजमा रही है। बिल्कुल रूबी, देखिए जिस तरह से अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है कि कितने लोगों पर ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कितने लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा? पारुल, देखिए अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, हालांकि ये कयास यही लगाया जा रहा है कि 7 से जो हो चुके हैं नाम, उसके अलावा और भी नाम निकल के आ सकते हैं,
क्योंकि अभी ये नाम का खुलासा नहीं किया गया है। खास तौर से अभी ख्याल से ही लगाया जा रहा है कि एडीजी लॉ के तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी, जिस प्रेस वार्ता में ये बताया जाएगा कि इन किन लोगों को नाम दर्ज किया गया है, क्या वो लखनऊ के थे या लखनऊ के उत्तर प्रदेश के कई और भी जिले से जो लोग आए हुए थे उन पर भी है, उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अगर ऐसे मामलों में नाम निकल के जो भी आएंगे उनके जो तादाद है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल रूबी, लेकिन पहचान इन लोगों को किस बिहाफ पर की जाएगी, किस आधार पर पहचान की जाएगी? क्योंकि देखिए जश्न मनाने की हालांकि वीडियो सामने आई, रात का समय था तो काफी अंधेरा था, ऐसे में कुछ लोगों के चेहरे नहीं समझ आ रहे थे, तो किस आधार पर उनकी पहचान की जाएगी? पारुल देखिए, खास तौर से उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे एक ट्रेन खट्टा थी और वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरे के माध्यम से कहा गया है कि उनको सीसीटीवी जो फुटेज है उनको निकाला जाएगा, उनको छानबीन करके उनमें से उन चेहरों को तलाशा जाएगा और उसके आधार पे खास तौर से उन थानों को आदेश दिया गया है जो पास के थाने लगते हैं उन इलाकों के, और वहाँ पे बोला गया है जो प्रभारी है कि आप लोग उन जगहों के नाम निकाले और जो लोग खास तौर से इस तरीके से कर रहे थे उनको लेकर आप नाम निकाल उनके घर तक नोटिस पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला जरूर देख रहा है, वो ऐसे में एक सख्त कदम माना जा रहा है योगी सरकार का। चलिए रूपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जिन लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, पटाखे चलाए, अब उन सभी लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिलाएं सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठकर घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर डिवाइडर पर चढ़ गया और ये भीषण हादसा हो गया। खबरों की माने तो इस हादसे में मरने वाली 3 महिलाएं बुजुर्ग थी और तीनों में से 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली। वहीं हादसे में 3 अन्य महिलाओं की हालत बेहद गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में अब आज बहादुरगढ़ में ये बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने आंदोलनकारी महिला किसानों को कुचल दिया है और इस पूरे हादसे में 3 महिला किसानों की जान चली गई है जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े थे। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर पूरा असर डाल रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108.229 रुपये जबकि डीजल का दाम 97.02 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114.14 रुपये और डीजल की कीमत 105.12 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है जबकि पेट्रोल की डीजल की बात करें तो 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर डीजल बिक रहा है। तो एक बार फिर आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं जिससे जनता की जेब पर बड़ा असर ये पड़ा है। यूपी के पीलीभीत जनपद में कई मांगों को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ने नगर पालिका के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष की मांग है कि नगर पालिका परिषद की ओर से हर घर से 50 रुपये प्रति माह की जा रही वसूली बंद की जाए, साथ ही खस्ताहाल सड़कों को फौरन बनवाया जाए और इसके साथ ही आबादी में बनाए गए कूड़ा घर को भी वहाँ से हटाया जाए। पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर 3 मांगों को लेकर धरना किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़कों की खस्ता हालत को लेकर भी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल मंडल के जिलाध्यक्ष ने धरना दिया है और 3 मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि
जहां पर ज्यादा आबादी वाला इलाका है वहां पर कूड़ा घर बनाया गया है और उसको उठाने की मांग रखी गई है। साथ ही जो सड़कों की खस्ता हालत है उसको भी सुधारने की मांग की गई है। यहां धरने पे हम बैठे हैं नगरपालिका के खिलाफ, नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ। वजह ये है, यहाँ एकता सरोवर कितना बढ़िया बनाया है डीएम साहब ने, लेकिन उसके पड़ोस में जो कूड़ा घर है इसमें पड्डे वगैरह सब डाले जाते हैं और गोबर पड़ा हुआ है। लोग सवेरे को टहलने आते हैं, मतलब टहलने आते हैं तो यहाँ बड़ा बढ़िया सेंट की महक आती होती है मरे हुए पड्डे वगैरह की। दूसरा हमारा है रमा गार्डन से लेके एकता सरोवर तक की रोड 800 मीटर की रोड है। आप अपनी बाइक से 800 मीटर की रोड 8 मिनट में पार कर पाएंगे। बीच में पुलिया टूटी हुई है। मंडल के जिलाध्यक्ष की तरफ से ही धरना प्रदर्शन किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जिस तरह से व्यापार मंडल के अध्यक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, तीन मांगे हैं, क्या कुछ अब तक प्रशासन ने उनकी मांगों का संज्ञान लिया है? आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला जो है पीलीभीत जनपद का है, जहाँ पे व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष ने जो है अनिश्चितकालीन धरना पिछले बीते दो दिन से शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई आला अधिकारी वहाँ मौके पहुंचे, ना उन्होंने जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि जो मांगे हैं इनकी, वो मांगे जो इस तरीके से हैं कि एक तो खस्ताहाल सड़कों की इनकी मांग है, जो इनके जो सड़कें हैं वो खस्ताहाल है उसकी एक मांग की गई है। उसके अलावा जो नगर पालिका की तरफ से जो 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है प्रत्येक घर पे उसकी मांग है। उसके अलावा जो आबादी में के बीच में जो है कूड़े का ढेर है उसको हटवाने की मांग है। इसको लेकर वो बीते दो दिन से जो है धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल प्रांजल, और जिस तरह से देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि हम धरना देंगे और ये मांगे लगातार बताई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा, तो क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का कि कब तक ये धरना चलने वाला है? जी बताना चाहेंगे, जिस तरीके से जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा उनका साफ तौर से कहना है कि नगर पालिका जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती, नगर पालिका की 300 के आसपास कुछ दुकानें हैं जिसमें 251 दुकानें हैं वो दर्शाई जा रही हैं, उसकी भी वो 53 दुकानें 52 दुकानें जो हैं वो गायब हैं, उनका वो ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। तो साफ तौर से कहना है जब तक उनकी ये मांगे जो है वो पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना जो है लगातार चलता रहेगा। चलिए प्रांजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहां पर व्यापार मंडल अध्यक्ष की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया है, अपनी तीन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन दिया गया है, जिसमें कूड़ा घर हटाने को लेकर और सड़क के खस्ता हाल को लेकर सही कराने तक ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक प्रशासन की तरफ से हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अमेठी के मुशीनगर कोतवाली क्षेत्र में श्रीपुर मदरे सराय गांव में एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी से विवाद के चलते उसकी धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो अमेठी का यह पूरा मामला है जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामूली सी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। बहराइच में एक नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आरोपी गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। गई थी घर के बगल में रसीद का बाग है, वहां पे मेरी माँ और ये मेरी बहन गई थी, तो मतलब लेटरिंग करके मेरी माँ रोड पे आ गई, तो मतलब इतने में गांव का लड़का एक मिठाई का ठेला लगाता है, मुबारक नाम है उनका, लड़का जबरदस्ती किया और बगिया में घसीट कर खींच के ले गया, मतलब मारा भी पीटा, ये
सरगुमा चोट भी लगी हुई है उसके, और मैंने पकड़ा भी तो कि वो चिट्ठिका मार कर भाग गया और ये शर्ट भी हमारी फट गई। बलात्कार किसने किया? शरवान। मुकदमा आपका लिखा गया? कुछ नहीं लिखा गया। क्या हुआ आप लोग थाने पाए थे कोतवाली? यहाँ पर कह रहे कि दरखास्त लिखा के आओ तो कोई काम होगा। किसने कहा था? दो सिपाही थे, उनको कोई पहचाना है? उनसे बताया नहीं कि आपने मुकदमा तहरीर लिखने के लिए यहाँ जो है पीड़ित तमाम जो है पुलिस वाले हैं? कोई नहीं सुनता है। क्या बताएं लोग, कहीं के दरखास्त लिखा के आओ तो कुछ नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार भी उसके तमाम दावे हैं और कानून व्यवस्था भी काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद भी जो जिस नरपिशाच हैं, जो दरिंदगी हैं, लगातार वो अपनी हैवानियत करते ही रहते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में भी देखने को मिला है, जहाँ पर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में एक दरिंदे ने काफ़ी जघन तरीके से बलात्कार किया। उस बलात्कार के बाद उस बच्ची को काफ़ी जख्म आए हुए हैं और 24 घंटे से बीतने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, और जब पीड़ित परिवार थाना कोतवाली देहात जाता है तो वहां से उसको उन परिवार को भगा दिया जाता है। मामला जब मीडिया के संज्ञान में आता है तो आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आती है और लगातार दबिश का दौर जारी है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तार नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से निर्भया कांड पूरे देश को हिला दिया था, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये दलित बच्ची के साथ में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये सवालिया प्रश्न उठाती है कि आजकल क्या मानसिकता लोगों की और नैतिकता भी खत्म हो गई है, जो छोटी सी मासूम बच्ची के साथ भी दरंगी करने के पीछे उनके हटते तक नहीं है, क्या है उनकी ऐसी मानसिकता। कानून तो अपना काम कर ही रहा है, प्रशासन भी काफ़ी टाइट है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है। आखिर देखने वाला विषय होगा कि उस दरिंदे की गिरफ्तारी कब तक होती है। कैमरा पर्सन के साथ अनिल तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि मथुरा रोड स्थित गांव मलहे के पास एक बाइक एजेंसी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने लगभग 7 लाख रुपए की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। वहीं जानकारी होने के बाद एजेंसी के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच में जुट गई है। तो मथुरा का यह पूरा मामला है जहाँ पर बदमाशों ने 7 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। बाइक एजेंसी में वारदात मेरी बाइक एजेंसी की मालकिन है, उसके नाम एजेंसी है। तो यहाँ रात को हम 8 बजे के आसपास यहीं थे, तो 8 बजे के बाद यहाँ चोरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान भारत और रणनीतिगत साझेदारी, कोरोना वायरस महामारी, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा और संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। पीएमओ ने कहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया भाग लेंगे। वहीं कल पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि भारत बहुपक्षवाद, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के प्रति सम्मान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफी उत्सुक हूँ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 कृषि कानूनों का समाधान निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को वो कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को समाप्त करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के कृषि विशेषज्ञ और कुछ किसान भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कैप्टन ने कहा है कि वो इसका समाधान निकाल सकते हैं और अभी तक किसान नेताओं की केंद्र के साथ 4 अधूरी बैठकें हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच वार्ता चल रही है। चंडीगढ़ में
मंगलवार को एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समाधान के लिए कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मूला नहीं हो सकता है। बातचीत के दौरान कुछ सामने आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसान दोनों ही कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट का समाधान चाहते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो अभी भी तक इस मामले में किसी भी किसान नेता से नहीं मिले हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि किसान नहीं चाहते कि उनके आंदोलन में कोई भी राजनेता शामिल हो। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत वो कर चुके हैं। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण अभियान चला रही है। पिछले दिनों 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का कीर्तिमान भी बना दिया था। टीकाकरण अभियान में कोई रह न जाए इसके लिए सरकार अब अगले महीने से हर घर दस्तक यानी कि डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड टीकाकरण पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना को लेकर चर्चा की थी। साथ ही आपातकालीन कोविड 19 रिस्पॉन्स पैकेज पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के साथ स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई। कोविड 19 टीकाकरण, कोविड प्रबंधन और पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर सार्थक चर्चा हुई। अगले एक महीने में हर घर दस्तक डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हमें हर जिले का पूर्ण रूप से टीकाकरण करना है। मुझे विश्वास है कि हम सब देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संपूर्ण टीकाकरण की तरफ साथ मिलकर काम करेंगे। भारत के हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की ओर से विकसित स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन कोवैक्सीन को ओमान ने मान्यता दे दी है। जी हां, इसके चलते अब कोवैक्सीन की खुराक लेने वाले यात्रियों को ओमान में आइसोलेशन से नहीं गुजरना होगा। दरअसल बुधवार को ओमान सल्तनत की सरकार ने भारत में निर्मित कोवैक्सीन को बिना आइसोलेशन के देश की यात्रा के लिए नियमों में छूट देने की घोषणा कर दी है। मस्कट में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। ट्वीट में बताया गया है कि कोवैक्सीन को अब बिना क्वारंटीन के ओमान की यात्रा के लिए कोविड 19 टीकों की अनुमोदित सूची में जोड़ा गया है। इससे भारत के यात्रियों को कोवैक्सीन का टीका लगाने में सुविधा होगी। ऐसे में भारतीय दूतावास की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि भारत के वो सभी यात्री जिन्हें यात्रा की तारीख से 2 हफ्ते पहले कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी हैं, वो अब बिना आइसोलेशन के ओमान की यात्रा कर सकेंगे। अन्य सभी कोविड 19 संबंधित आवश्यकताएं और शर्तें जैसे कि आगमन से पहले ऐसे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण लागू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वो ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि नई आबकारी नीति के तहत कम उम्र के लोगों को होम डिलीवरी पर शराब उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से ये भी पूछा है कि शराब की होम डिलीवरी से ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया आखिर क्या है। अदालत ने सभी तथ्यों को रिकॉर्ड कर लाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 18 नवंबर की तय कर दी है। पीठ ने कहा कि आप शराब खरीदने वाले की उम्र का सत्यापन कैसे करेंगे, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि ये केवल मौजूदा नियम में संशोधन है और ये अभी अस्तित्व में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब भी ये अस्तित्व में आएगा आधार संख्या या कोई अन्य आयु प्रमाण देने के प्रावधान होंगे। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है। ऐसे में पीठ दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी के प्रावधान को चुनौती देने बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर से फंस चुका है। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार के लिए सुनवाई टाल दी है। गुरुवार को 2:30 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के टलने की वजह से आर्यन को आर्थर रोड जेल में ही रात काटनी पड़ी। ऐसे में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर बुधवार की सुनवाई खत्म हुई, जिसके बाद आज एक बार फिर से 2:30 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें, वकील अमित देसाई और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसीडिंग्स को जज सांबरे के सामने पेश किया। बुधवार को कोर्ट में अरबाज मर्जेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की थी। उनके साथ आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी एनसीबी द्वारा आर्यन की गिरफ्तारी के आधार पर बात रखी थी। ऐसे में अमित देसाई ने कहा कि आप आर्यन खान को अरेस्ट मेमो दिखाइए, एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं है, गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं है। अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने पेश किया है। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है और ऐसे में 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत माने नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।